चलिए चैप्टर नंबर टू, छोटा सा चैप्टर है, कहने के लिए टू है, उसी में डाल देना चाहिए था इसको। चैल्कोलिथिक कल्चर, चैल्कोलिथिक दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉपर और स्टोन। चैल्को का मतलब होता है कॉपर और प्लस लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो चैल्कोलिथिक कॉपर और स्टोन दोनों एज को कहा जाता है। इससे पहले का जो ह्यूमन बीइंग था स्टोन एज तक केवल स्टोन का इस्तेमाल करते थे वो। दे नेवर यूज्ड एनी मेटल। दिस मींस दैट फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ इन इंडिया इन द वर्ल्ड आल्सो वाज कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, नॉट बिफोर दैट एनी मेटल हैड बीन यूज्ड। कॉपर सबसे पहला मेटल था, पूरी दुनिया में यूज हुआ, भारत में भी यही यूज हुआ है। कॉपर के बाद ब्रॉन्ज आएगा, ब्रॉन्ज के बाद आयरन आ जाएगा। ठीक है, कॉपर और ब्रोंज दोनों से एग्रीकल्चर टूल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि कॉपर और ब्रोंज आप जानते हैं कि बहुत हल्के फुल्के मेटल्स होते हैं, जिससे खेती नहीं की जा सकती है, खेतों की जुताई नहीं हो सकती। यही कारण है कि देखेंगे कि लोहे का महत्व बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग बनाने में लोहे का महत्व है, एग्रीकल्चर करने में, किसी भी गाड़ी को बनाने में, कहीं पर सड़क को बनाने में, हर जगह पर लोहे का यूज होता है। यही कारण है कि धर्म में लोहे को पूजा भी जाता है। देखते होंगे जब यज्ञ वगैरह होता है तो लोहे को पूजा जाता है, क्योंकि हर जगह पर लगभग उसका इस्तेमाल होता है। इस वजह से लोहे का एक अपना महत्व हो गया है और लोहे ने पूरी इकोनॉमी को चेंज कर दिया। वो बातें करेंगे आपसे, ठीक है। बट ये एज जो है कॉपर स्टोन के कारण से, इसे चैल्कोलिथिक कहते हैं। मीन्स पीपल ऑफ दिस पीरियड यूज बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स, ठीक है, और ज्यादातर बर्तन वगैरह बनाते थे लोग, तो चैल्कोलिथिक पीरियड इसे कहा गया। ये भी पूरे भारत में फैला हुआ था और लगभग 2800 BCE से शुरू होकर के 700 BCE तक चलता है। ये कई हिस्सों में इसका पतन जो है 700 ईसा पूर्व तक होता है, जाकर के 700 BCE तक। ठीक है, कॉपर एंड स्टोन ये दोनों मिलाकर के होते हैं। अब इसका फैलाव जो है, इसका एक्सपेंशन जो है लगभग पूरे भारत में है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर है, पूरे भारत में जहां जहां भी स्टोन एज रहा है लगभग हर उस साइट पर मिला है ये, उसकी बियॉन्ड भी मिला है कई बार। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसके कल्चरल साइट्स क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए इसके जस्ट बाद ब्रोंज कल्चर शुरू हो जाता है भारत में, और ब्रोंज कल्चर पहला सिविलाइजेशन भी है भारत का, जिसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा के लोग ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे, और ब्रोंज एक मिक्स्ड मेटल है। मिक्स्ड मेटल का मतलब इसमें कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है। दिस मीन्स टेक्निकली हड़प्पन पीपल वर साउंड, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे जहां पर मिक्स मेटल यूज कर रहे थे पहली बार, जबकि कॉपर मिक्स मेटल नहीं है, ये प्योर मेटल है, जहां पर ओर के रूप में निकाला गया, मेटल के रूप में यूज किया गया इसे, ठीक है। जबकि ब्रॉन्ज जो है एक मिक्स्ड मेटल है, और सबसे खास बात है कि कॉपर हमारे देश में बहुत ज्यादा नहीं है, खेतरी कॉपर माइन है जो राजस्थान की कल्चर रही है ना, बेसिकली चैल्कोलिथिक कल्चर राजस्थान की, उस कल्चर के लोग बेसिकली वहां से कॉपर निकालते हैं, खेतरी कॉपर माइन है ये, और खेतरी कॉपर माइन से माइन करते थे कॉपर को और हड़प्पन लोगों को एक्सपोर्ट करते थे वो लोग। तो हड़प्पा के साथ उनका ट्रेड रिलेशन भी था, ठीक है। और साथ ही साथ इन लोगों ने टिन जो मंगाया था, भारत में टिन नहीं मिलता है, टिन में एकमात्र राज्य पॉपुलर है टिन के मामले में, कौन सा राज्य बताएंगे आप? छत्तीसगढ़ में मिलता है केवल टिन, भारत के बाहर से आता था ज्यादातर, हड़प्पा के लोग इम्पोर्ट करते थे बाहर से, और टिन और कॉपर को मिला करके ब्रोंज बनाते थे लोग, और ब्रोंज एक डिफरेंट मेटल बन गया, ठीक है। ये अलग बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं था ये। टेक्निकली अगर हम लोग जाएं तो कॉपर कल्चर हमेशा ब्रोंज कल्चर के पहले ही होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन इस टेक्निकलिटी में भारत में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ चैल्कोलिथिक कल्चर यानी कुछ कॉपर कल्चर ब्रोंज कल्चर से पहले है, मैक्सिमम जो है ब्रोंज कल्चर के कंटेम्प्रेरी है मैक्सिमम, और कुछ जो है बाद में भी है, ठीक है। यानी ब्रोंज कल्चर खत्म हुई तब भी कॉपर कल्चर चलती रही देश के अलग अलग हिस्सों में। इसका मतलब है कि कुछ कल्चर जो है जिसका पतन 700 BC में हुआ था, महाराष्ट्र की कॉपर कल्चर, विशेषकर जोरवे कल्चर कहा जाता है, वो कल्चर इसका पतन ही हुआ था 700 BC के आसपास, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो ब्रोंज कल्चर थी उसका डिक्लाइन हो गया था 1500 के आसपास, 1500 BC, यानी उसके 800 साल बाद तक ये कल्चर चलती रही। इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट टेक्निकलिटी, ठीक है। टेक्निकली कोई किसी भी देश में कॉपर कल्चर के बाद ही ब्रॉन्ज कल्चर आता है, बट ये कल्चर हमारे देश में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। हमारे देश में शुरू जरूर पहले होता है, लेकिन बहुत कम साइट्स मिले हैं उससे पहले शुरू होने वाले,
कुछ कल्चर जो है पैरेलली चल रहे हैं बहुत सारे, और कुछ जो है बाद में। जैसे आहार कल्चर जो रहा राजस्थान का, वो हड़प्पा सभ्यता का पैरेलल है, ठीक है। दक्षिण भारत में जोरवे कल्चर है, उस पर एक साइट है दैमाबाद, और दैमाबाद पर हड़प्पा का प्रभाव है, ठीक है। कई बार उसे हड़प्पन कल्चर का साइट मान लिया जाता है, जैसे आपको जब विस्तार पढ़ाते हैं ना हड़प्पा कल्चर का, तो दैमाबाद सबसे साउदर्न पार्ट मान लिया जाता है, जबकि वास्तविकता है कि सबसे साउदर्न पार्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन यही का आंसर यही देते हैं ज्यादातर। जब बदलेंगे तब बदलेंगे, अभी फिलहाल यही देते हैं, जबकि साफ साफ लिखा गया है एनसीईआरटी वगैरह में, जब पढ़ेंगे आप लोग तो साफ साफ लिखा गया है कि जो हड़प्पन कल्चर का जो साउदर्न मोस्ट साइट है वो भगत रव है गुजरात में, जबकि दैमाबाद पर सिर्फ प्रभाव था उसका, और वो बेसिकली एक तरीके का कल्चर था, कॉपर कल्चर का पार्ट था, यानी जोरवे कल्चर का पार्ट था। तो अलग चीजें हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा कॉपर कल्चर के लोग, यानी चेलग्लिथिक कल्चर के लोग, स्टोन और कॉपर दोनों को यूज करते थे एज ए टूल्स, लेकिन ज्यादातर ये लोग टूल्स के रूप में अभी भी पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे, कॉपर का इस्तेमाल कम ही करते थे ये लोग, ठीक है। ज्यादातर कॉपर का इस्तेमाल राजस्थान वाले कल्चर वाले साइड में हुआ है, क्योंकि राजस्थान के पास खेतरी कॉपर माइन है, तो वहां पर ज्यादातर यूज हुआ है, वहां से एक्सपोर्ट भी हुआ है, ठीक है। यही कारण है कि राजस्थान का एक साइट है आहार, आहार को तांबोती कहा गया, क्योंकि एविडेंस ऑफ कॉपर टूल्स हैज बीन फाउंड देयर, ठीक है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में कॉपर टूल्स वहां से मिले हैं, इसलिए आहार को तांबोती के नाम से पुकारा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये इनका मेटेरियल कल्चर था, ठीक है। मेटेरियल कल्चर के बाद इनके एक मैप बनाएंगे, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन दिखा दिया जाएगा, और उसमें कल्चर आपको मैं बता दूंगा कौन कौन सी कल्चर कहाँ रही है। सभी कल्चर अपने आप में कुछ महत्व रखती है, उनको भी थोड़ा सा डिपिक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी ये कल्चर पाया गया, बिहार में भी पाया गया है, साउथ इंडिया में भी पाया गया, महाराष्ट्र में पाया गया, मध्य प्रदेश में पाया गया, गुजरात में पाया गया, राजस्थान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पाया गया, तो बहुत जगहों पर ये कल्चर मिली है, अलग अलग कल्चर के नाम से ये है, ठीक है। तो पहले एक हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग ये तो डाल लिया ना आप लोगों ने, हाँ तो डाल लिया है, तो इसमें लिख लें, इट वॉज द फर्स्ट मेटल कल्चर, इट वॉज फर्स्ट मेटल कल्चर ऑफ इंडिया, इट वॉज फर्स्ट मेटल कल्चर ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ दिस पीरियड यूज्ड कॉपर, पीपल ऑफ दिस पीरियड यूज्ड कॉपर अलॉन्ग विद स्टोन, कॉपर अलॉन्ग विद स्टोन। सेकेंड पॉइंट लिखूंगा, दे यूज माइक्रोलिथ्स नेक्स्ट, पीपल ऑफ आहार एंड गिलुंद, ये दोनों राजस्थान के साइट हैं, पीपल ऑफ आहार एंड गिलुंद। पीपल ऑफ आहार एंड गिलुंद यूज्ड कॉपर टूल्स अलोंग विद स्टोन टूल्स, सॉरी यूज्ड कॉपर टूल्स लिखेंगे ना, छोड़ दो, यूज्ड कॉपर टूल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, यूज्ड कॉपर टूल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी बिकॉज खेतरी कॉपर माइन, खेतरी कॉपर माइन वॉज क्लोज टू दिस कल्चर, खेतरी कॉपर माइन वॉज क्लोज टू दिस कल्चर, खेतरी कॉपर माइन वॉज क्लोज टू दिस कल्चर। इनफैक्ट देवर फेमिलियर, इनफैक्ट देवर फेमिलियर फ्रॉम मेटलर्जी, देवर फेमिलियर फ्रॉम मेटलर्जी फ्रॉम द बिगनिंग, मेटलर्जी फ्रॉम द बिगनिंग, दैट्स वाई ओल्ड नेम, दैट्स वाई ओल्ड नेम ऑफ आहार वॉज
दैट्स वाई ओल्ड नेम ऑफ आहार वॉज तांबुवती, तांबुवती, ओल्ड नेम ऑफ आहार वॉज तांबुवती। ठीक है, अब हेडिंग डाल लेंगे आप लोग ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। इसमें एक मैप बनाना आपको है, जैसा कि स्टोन एज में बनाया था वैसे एक्सपेंशन इसमें दिखाना है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, कलर कुछ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं क्या बताए, अलग तरीके का ट्रीटमेंट इसका है। सस्ता नहीं, सस्ता बोर्ड कुछ भी हो सस्ता नहीं मिलेगा, 2 लाख कम से कम होगा इसका, इतना भी सस्ता नहीं होगा। ठीक है, हाँ उतना होगा, 2 लाख के आसपास, हो सकता है ज़्यादा भी हो थोड़ा, क्योंकि बड़ा साइज लग रहा है ये। मैंने भी ऑनलाइन क्लास जब लिया था ना तो अपने घर में लगाया था इसको, उस समय मैंने जब सेकेंड कोरोना पीरियड आया था, जो सबसे खतरनाक वाला जिसमें बहुत सारे लोग मर रहे थे, उस समय दिल्ली में मैंने बोर्ड लगाया था, वो उसी पर क्लास ले रहा था, तो उस समय वो मिला था 1.65 लाख का, घर में लगाया था। ठीक है, उसी पर क्लास हो रही थी, अब लाइटिंग वगैरह उतना अरेंज नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है क्लास चल रही थी, ठीक लग रहा था लोगों को, नॉर्मल क्लास से अच्छा लगता है वो, जैसे ऑनलाइन क्लास लेना हो तो नॉर्मल क्लास से थोड़ा ठीक लगता है। देखें कलर कुछ और लिया हो, कुछ और रहा ऑटोमेटिक है सारा, सेकेंड हैंड नहीं है, है तो नहीं, राइटिंग अच्छी बन रही है, बहुत बोर्ड मैंने देखा है ना, अब तो बोर्ड चलाते चलाते आदत सी हो गई है, बहुत बोर्ड पर राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, और जबकि मेरी राइटिंग अच्छी है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन इस बोर्ड पर राइटिंग ठीक बन रही है, थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में, इसीलिए मैं लिखता हूँ इस पर थोड़ा। चलिए, सवालदा एंड प्रभास कल्चर गुजरात में है ये। ठीक है, सवालदा और प्रभास की जगह मिला वहां पर है, जिस जगह पर होता है ना उसी के नाम से उस कल्चर का नाम होता है, तो सवालदा और प्रभास उस जगह के नाम भी हैं। ठीक है, जोरवे कल्चर महाराष्ट्र की कल्चर थी, इसमें साइट्स काफी मिले हैं जोरवे कल्चर में। जोरवे में जैसे इनाम गांव है, दैमाबाद है, नासिक, चंदौली, नवदा टोली, इनाम गांव, दैमाबाद, नासिक, चंदौली, नवदा टोली, प्रकाश, ये सब साइट्स के नाम है जो यहाँ से मिले हैं। जोरवे भी साइट है इसका, जोरवे के नाम से ही जोरवे कल्चर पाए कहा जाता है। चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया,
चेलकोलिथिक कल्चर ऑफ बंगाल। महिषदल एंड पांडु राजा ढिबी, ये दो स्थल हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट है महिषदल, महिषदल। चेलकोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट। कोट दीघी आमरी। मालवा कल्चर, उसका एक साइट है एरन। जगह गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। इस रीजन में ना, मध्य प्रदेश वाला रीजन है, मालवा रीजन है, तो मालवा रीजन में दो कल्चर है। मालवा कल्चर अलग है, जिसमें एक साइट एरन भी है, और कायथा कल्चर एक है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव साइट कायथा ही है। ठीक है, आहार कल्चर। आहार कल्चर में आहार तो है ही, गिलुंद है एंड गणेश्वर है। आहार गिलुंद एंड गणेश्वर है, पढ़ गया। चेलकोलिथिक कल्चर, इसमें जो आते हैं खैरा डी, और नरहन एंड चेलकोलिथिक कल्चर ऑफ बिहार, आखिरी है ना ये, बिहार। इसमें कुछ साइट्स हैं जिसमें चिरांद भी आएगा। ठीक है, चेचर, सोनपुर, चिरांद, ताराडी, ताराडी, चेचर, ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है। नाम का दम है बदनासिक, चंदौली, 4, 6, 7, 8 है।
मालवा कल्चर है, एरन है उसमें एक साइट, और ARAN, एरन। एरन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आप लोगों को। एरन से एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है, सती प्रथा का पहला इंस्क्रिप्टिव एविडेंस वहां से मिलता है, गुप्ता काल का है। ठीक है। सभी कल्चर में थोड़े थोड़े अंतर हैं, लेकिन वो अंतर उतना जरूरी नहीं आपके लिए है। ठीक है, थोड़े बहुत मेजर डिफरेंसेस आपको लिखते समय समझा दिया जाएगा।